इधर उपेक्षित विषयों में नहीं आपसे भीख मांगते नहीं आपसे भीख मांगते हमारी मांगे पूरी करो रिक्त पदों में शिक्षक भर्ती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है सोशल साइंस और साइंस के पदों पर जो है आवेदन नहीं हो रहे हैं वर्ग दो में, उसी को लेकर संघर्ष जारी है। दोस्तों, आज सांकेतिक रूप से भोपाल में प्रदर्शन किया गया और जो उपेक्षित विषय हैं उनके लिए 9 और 10 अक्टूबर को पुनः बड़े स्तर पर आंदोलन में प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों, जिसमें आप सभी को भाग लेना है। पूरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करें दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं शुक्रवार को ज्ञापन के साथ साथ सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन था, दो दिनों में मांगे पूर्ण न होने पर 9 एवं 10 अक्टूबर को पुनः बड़े स्तर पर आंदोलन व प्रदर्शन किया जाएगा। समस्त पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों से अपील की जाती है कि आंदोलन का हिस्सा बने, तभी सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे सुबह कहा था कि आज का जो प्रदर्शन है वो हमारे साइंस और सोशल साइंस भाई बहनों के लिए है कि उन्हें भी ज्वाइनिंग का मौका मिलना चाहिए, जबकि काफ़ी पद खाली हैं, तो पद वृद्धि इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। साथ में और भी सब्जेक्ट हैं जिनकी पद वृद्धि की लगातार मांग जारी है, सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो तभी सभी को लाभ मिलेगा। दोस्तों, पूरा वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ हमारी जमीनी स्तर की टीम और श्री रंजीत गौर जी के संघर्ष को दिल से धन्यवाद है कि वो लगातार प्रयासरत हैं, और आप सभी से मैं ये कहूँगा कि आप भी सपोर्ट करें दोस्तों। ऐसे वीडियो जो आपके पास आए उन्हें हर जगह पहुंचाएं, जिससे कि हमारी मुहिम को और ज़्यादा बल मिल सके, और सभी एक होकर प्रयास करेंगे, डेफिनेटली पद वृद्धि के साथ सभी को लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। आज लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय के सामने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर फिर से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, और ये बार बार इनका प्रदर्शन निरंतर चल रहा है। हम जानना चाहेंगे उनसे कि उनकी क्या मजबूरी है कि जो बार बार DPI के सामने प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। हमारे सामने कुछ अभ्यर्थी हैं, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए किन मांगों को लेकर आए हुए। मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं वर्ग दो विषय विज्ञान से उत्तीर्ण हूँ। मेरे मामा जी से ये प्रश्न है कि आप ये बताइए कि विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वालों से क्या परेशानी है, क्या आप बताइए मामा जी कि हम लोग आज बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुके हैं। मामा जी, आप हम लोगों की भी मांगे पूरी करिए, पद में वृद्धि करिए, सभी विषय समान हैं। ऐसा नहीं होता है कि विज्ञान कोई भी पढ़ा सकता है, सामाजिक विज्ञान कोई भी पढ़ा सकता है, सबके अपने अपने पद हैं। बस मामा जी आपसे हम युवाओं की सिर्फ CM शिवराज जी ने कुछ साल पहले कितने हजार पद की घोषणा की थी और आज कितने हजार पदों पर भर्ती हो रही, कुछ जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, मामा जी ने कहा था कि 10,000 पद केवल वर्ग दो में और 51,000 पद वर्ग तीन में और वर्ग एक में 30,000 पद खाली हैं, और जबकि सबका अनुमान है कि मध्य प्रदेश के अंदर 1,00,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि पद खाली नहीं है। अगर पद खाली नहीं है तो आप हमें ये बताइए कि अतिथि शिक्षक किन पद पर काम कर रहे हैं और अतिथि शिक्षक को आप कैसे रख रहे हैं? मामा जी, आपकी प्रमुख मांग क्या है आज? हमारी प्रमुख मांग है कि विज्ञान समझ विज्ञान वालों के साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना हम बर्दाश्त करेंगे। आज हम आपके सामने विनती लेकर आए हैं, आज हम आपसे प्रेम से बोलने आए हैं, आपके भांजे भांजी, अगले बार हम एक अलग ही शैली में आएंगे और 10 तारीख को हम मिलेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, विज्ञान समझ विज्ञान पद घोषित करो, विज्ञान समझ विज्ञान पद घोषित करो। प्रतिदिन आए दिन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जो शिक्षक भर्ती की जा रही है उसमें कई प्रकार की असंख्या देखने को मिलती है। द्वितीय काउंसलिंग में भी देखा गया है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के जो पद हैं उनके अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराए जा रहे। आज हम प्रमुख रूप से आए हैं कि इन विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अवसर दिया जाए। आयत महोदय जी से चर्चा हुई है, अपर संचालक से चर्चा हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक दिन के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। हेल्थ काउंसलिंग की बात कही गई है, सत्रह जो प्राइवेट डिपार्टमेंट है उसके रिक्त पदों को इसमें जोड़ा जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ दो दिन का इंतजार करेंगे, अगर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तब हम 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होंगे। और विज्ञान सामाजिक के साथ साथ हमारी मांग है कि
अन्य उपेक्षित विषय जैसे कि वर्ग दो में हिंदी है, उर्दू है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनके रिश्तों में वृद्धि होना ही चाहिए। वर्ग एक में भी तो कौन से विषय उनमें नाम मात्र पद आए हैं, जैसे कि हिंदी है, भूगोल है, कृषि है, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान, इनमें भी नाम मात्र, और दोनों विभागों से नामों की पुनरावृत्ति की जा रही है। हम लोगों की बार बार यही मांग है कि नामों की पुनरावृत्ति लगाई जाए, रिक्त पदों में भी की जाए। पद वृद्धि का आश्वासन अधिकारियों ने कई बार दिया है और विज्ञापन में स्पष्ट लिखा रहता है कि रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जाएगी, जो कि हमारा अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार, हमारी मांगे पूरी करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो, भारत माता की जय। आज आप किन मांगों को लेकर आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा और 2018 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। शिक्षा विभाग द्वारा द्वितीय काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, परंतु पोर्टल पर कुछ विषय ऐसे हैं कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, जिससे कि हम अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हमसे एक बार नहीं कई बार आश्वासन दिया कि रिक्त पदों में वृद्धि की गई है, लेकिन आज दिनांक तक रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर शुरू नहीं की गई है। आज हम प्रमुख रूप से दो मांगों को लेकर आए हुए थे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे अन्य जो विषय हैं उनको भी पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएं। प्रथम चरण के उपेक्षित विषय जैसे कि हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। शिक्षक भर्ती 2018 को 2018-19 की जो शैक्षणिक योग्यता है उसी के आधार पर पूर्ण किया जाए। अन्य अभ्यर्थियों की जो कि 21-22 में भी अपनी शैक्षणिक योग्यता हासिल कर रहा है उनको शामिल किया जा रहा है। दूसरा, जो हमारे कुछ अतिथि भाई हैं जिनका अनुभव प्रमाण पत्र रह गया है, जो विकलांग कोटे से हैं उनका प्रमाण पत्र रह गया, तो उनको भी अवसर दिया जाए। हमारी प्रमुख रूप से मांग यही है कि 2018 की शिक्षक भर्ती को पूर्णतः न्याय संगत तरीके से पूर्ण किया जाए, अन्यथा आज हम दो दिन का इंतजार करेंगे। 9 और 10 अक्टूबर को फिर से भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज हम उपेक्षित विषयों में नहीं आपसे भीख मांगते हम अपना अधिकार, नहीं आपसे भीख मांगते हम अपना अधिकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, शिक्षक भर्ती पूरी, क्योंकि प्रतिदिन आए दिन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। शिक्षा विभाग द्वारा जो शिक्षक भर्ती की जा रही है उसमें कई प्रकार की संख्या देखने को मिली है। द्वितीय काउंसलिंग में भी देखा गया है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के जो पद हैं उनके अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराए जा रहे हैं। आज हम प्रमुख रूप से आए हैं कि इन विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अवसर दिया जाए। आयत महोदय जी से चर्चा हुई, अपर संचालक से चर्चा हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक दिन के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। हर काउंसलिंग की बात कही गई है, सत्रह जो प्राइवेट डिपार्टमेंट है उसके रिक्त पदों को इसमें जोड़ा जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ